नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक कम्प्लेंट लेने वाले हैं और वो कम्प्लेंट ऐसी है कि उस तरफ जो है ना ज़्यादातर बंदे ध्यान नहीं देते हैं और जाने अनजाने क्या है कि ये हमारे आरओ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। उसका कारण नहीं पता चलता कि क्या रीज़न है। तो वही वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या रहता है। हमारा बेसिकली इस टाइप का एक आर ओ यूनिट रहता है, ब्रांड कोई सा भी हो आप ये आर ओ यूनिट मान लीजिए। अब इस आर ओ यूनिट के साथ हमारा ये इस टाइप के प्री फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं। मेरे पास ये एक दो डिज़ाइन है, देखिए इस टाइप का ये स्पन फिल्टर रहता है, ये हमारी प्री फिल्टर हाउसिंग रहती है जिसमें ये प्री फिल्टर रहता है। और ये भी हमारा एक प्री फिल्टर हाउसिंग है और जिसमें कि एक प्री फिल्टर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और एक इस टाइप का ये फिल्टर रहता है, ये हमारा 9 इंच थ्रेडेड MLT फिल्टर कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये आरओ बेसिकली हमारे पास एक्सचेंज में आया हुआ था, तो उसमें हमने ये खोल के देखा, उसमें भी यही समस्या आ रही थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब खोल के देखा तो खैर वहाँ तो हमने एक्सचेंज में आरओ नया लगा दिया है, लेकिन जब ये प्री फिल्टर हाउसिंग जब खोल के देखी तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि ये प्री फिल्टर हाउसिंग जो है इस टाइप से इसमें फिट की गई थी, ये ऐसे। और इसमें फ़िल्टर जो है डाला गया था, ये इसमें स्पन फिल्टर डाला गया था, जबकि स्पन फिल्टर की जगह हमें जो है ये 9 इंच थ्रेडेड फिल्टर इसमें लगाना चाहिए था, जो कि हमारे इस वाले पोर्शन में जाके ये ऐसे टाइट बिल्कुल फिक्स बैठता है, ये इस टाइप से फिट बैठता है। और इसमें आप ये देख सकते हैं टेपिंग वगैरह भी बहुत की हुई है, टेफ्लॉन टेप भी बहुत लगा रखी है इसमें लीकेज वगैरह को रोकने के लिए। बहुत बुरी कंडीशन मतलब इसे आप ये देख सकते हैं थी इसकी। अब अगर हमें यहाँ ये वाला स्पन फिल्टर लगाना है, तो स्पन फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर एक गुटका आता है, जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह इस पोर्शन में टाइट हो जाती है, एक अलग से गुटका एक टाइप से आता है, वो लगा के तब हमें ये स्पन फिल्टर लगाना होता है। लेकिन कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई हैं या हमारे कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स वगैरह भी जो हैं किसी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आरओ का फ़िल्टर ले लेते हैं और उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली हमारे आरओ की प्री फिल्टर में प्री फिल्टर लगना कौन सा है, वो लाए और ला के आके सीधा लगा दिया। अब इसे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि अगर हमारा ये फ़िल्टर या ये फ़िल्टर प्रॉपर अगर इस हाउसिंग में फिट नहीं बैठेगा, सही से टाइट नहीं होगा, लूज रहेगा, तो क्या है कि ये सही से जो है डस्ट वगैरह नहीं रोक पाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये अभी इतना गंदा फिल्टर है नहीं। अब वो क्या कारण है गंदा नहीं है कि ये फिल्टर जो है इसमें ऑलरेडी फिट था, ये सही से डस्ट वगैरह ब्लॉक नहीं कर रहा था। डस्ट ब्लॉक ना करने के कारण हमारी डस्ट जो है आरओ यूनिट में चली जाती है। अब जब आरओ यूनिट में चली जाएगी तो हमारा इसमें भी एक फ़िल्टर लगा रहता है जिसे हम प्री सेडिमेंट फिल्टर कहते हैं। ये हमारा प्री सेडिमेंट फिल्टर हुआ, वो हमारा पोस्ट सेडिमेंट फिल्टर रहता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पोस्ट सेडिमेंट फिल्टर में मिट्टी पहुँच जाती है और कई बार जितना अफेक्टिव ये फिल्टर होता है, दोस्तों आपको क्लियर बता देता हूँ, कई बार हमारे उतने अंदर वाले फिल्टर इतना काम नहीं करते जितना ये काम करता है। अब जब मेन फिल्टर ही मिट्टी नहीं रोकोगे तो आरओ यूनिट में हमारी मिट्टी चली जाती है, वो सारी मिट्टी फिर जाके हमारी मेम्ब्रेन को भी ख़राब कर देती है, मेम्ब्रेन को चोक कर देती है, बूस्टर पंप मतलब पूरी आरओ यूनिट में वो मिट्टी घूम जाती है। उस कारण से हम परेशान हो जाते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, फ़िल्टर भी हमने चेंज कर लिया, हमारा आरओ जल्दी क्यों ख़राब हो रही है, इतनी डस्ट आ क्यों रही है। कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि अरुण जी हमारे यहाँ तो फिल्टर भी लगा हुआ है, तो हमारी मिट्टी तो आगे पहुँचनी नहीं चाहिए, वो आगे क्यों पहुँच रही है। वो रीज़न यही रहता है कि भाई ये हल्की क्वालिटी का फ़िल्टर रहता है। अब चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पर कई बार ये गुटका भी लगा रखा होता है, मान लिया दो तीन कारण आपको बताऊँ, यहाँ हमने गुटका भी लगा रखा जिसमें कि ये प्रॉपर स्लॉट में बैठ जाता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है एक अलग से आता है वो इसमें एग्जैक्टली बैठ जाना चाहिए, ये इस टाइप से ये बैठ जाता है। अगर बैठ भी गया तो कई बार हमारे ये बोतल की जो क्वालिटी है बहुत लाइट वेट होता है, नीचे से क्या है कि आप ये देख सकते हैं इसका जो बॉटम रहता है बहुत हल्का रहता है। अब हल्का रहने से होता क्या है कि अरुण जी क्या फ़र्क पड़ता है यार, बोतल तो काम कर ही ना, फिल्टर मेन तो फिल्टर ने काम करता है। भैया फिल्टर ने काम करना है अगर हमारी हाउसिंग सही से काम करेगी तब। अब हम इसे टाइट करते हैं, इसके अंदर हमने ये फ़िल्टर लगा दिया इस टाइप से और अब हम इसे टाइट करते हैं। अब टाइट करने से क्या है, इस टाइप से इसे जितना हम टाइट करते जाएंगे हमारा ये बॉटम जो है ना ये यहाँ से फैलता जाएगा,
फैलने से क्या होता है कि हमारा जो अंदर फिल्टर है ऊपर और नीचे से पूरी ग्रिप नहीं बनाता है। एक रीज़न ये भी रहता है कि हमारी जो बोतल है प्री फिल्टर हाउसिंग हल्की क्वालिटी की है। यहाँ एक चीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर इस टाइप की आपकी बहुत हल्की प्री फिल्टर हाउसिंग है जिसमें कि इसका बॉटम जो है ना बेसिकली इस टाइप से ऐसे झूलता है, ये देखिए ये इसलिए झूल रहा है कि इसका प्लास्टिक फैला हुआ है और ग्रिप फिल्टर की नहीं बन रही, मिट्टी हमारी आगे जा रही है यूनिट में। बोतल आप इस टाइप की लीजिए जिसमें एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे हमारा ये बॉटम इसका टिका हुआ है, देखिए इस टाइप से ये नहीं हिल रहा, ये झूलता है, ये देखिए इस टाइप से। तो अगर ऐसा कोई फिल्टर है तो आप उसमें ये फिल्टर लगाइए, 9 इंच MLT थ्रेडेड फिल्टर। अब ये फिल्टर लगाने से क्या फ़ायदा रहेगा कि ये बॉटम तक नहीं आता है, ये ऊपर ऊपर ही लटका रहता है, तो हमारी हाउसिंग एक स्टेज पे आके अच्छे से टाइट हो जाती है। और अगर आपको कभी हाउसिंग लगाने भी पड़ जाए तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप ये हल्की हाउसिंग ना लगा के कुछ इस टाइप की हैवी हाउसिंग लगाइए। मैं आपको इसका वज़न करके दिखाता हूँ कितना वज़न है, देखो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई रियल में अरुण जी जो चीज़ बता रहे हैं या हम जो चीज़ देते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को, ये चीज़ें आपको खोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं दिखाएगा। आपने सिर्फ एक बोतल देखी। कभी हमारे पास कॉल भी आती है, अरुण जी आपकी हाउसिंग महंगी क्यों है और ऑनलाइन तो बहुत सस्ती मिल रही है। भैया उसका कारण आपको दिखाते हैं, क्या कारण रहता है, सिर्फ पिक्चर में मत जाइए, फ़ोटो में मत जाइए, आपको वजन करके दिखाते हैं कि हाँ भाई कि हमारा मटेरियल महंगा क्यों है, हमारी हाउसिंग महंगी क्यों है या हमारे पार्ट्स महंगे क्यों रहते हैं उसका। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, इसके अंदर प्लास्टिक देख सकते हैं, शाइनिंग देख सकते हैं। ये फर्स्ट का हमारा ABS प्लास्टिक रहता है और ये हमारा सेकंड क्लास रहता है। अब इसका मैं आपको अगर वजन ही करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये मैंने इसमें हाउसिंग रख दी, 483 ग्राम की हमारी ये हाउसिंग है दोस्त। ठीक है दोस्तों, ये आप वजन करके, ये हमारी हाउसिंग रहती है, ये हम चाहे ब्लैक कलर दें या वाइट कलर दें। अब हम आपको ये हाउसिंग करके इसका वजन करके दिखाते हैं, हम जरा इन खाली करें तो इसका वज़न आप देख सकते हैं 365 ग्राम है और ये इतना ग्राम है। ठीक है, ये 365 ग्राम है और ये हमारा जो है लगभग 483 ग्राम है, लगभग 100 ग्राम के करीब फ़र्क आता है। तो अरुण जी क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी बहुत हल्की बोतल ही तो है यार, हल्की बोतल वेट से चलो एक अलग, वेट को एक अलग चीज़ भी ले लेते हैं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, फ़र्क सभी चीज़ों का पड़ता है। अब इसका बॉटम हैवी ड्यूटी का है, हैवी बॉटम है, जो हम इसे टाइट करेंगे तो इस फिल्टर को नीचे से और ऊपर से ग्रिप बना लेगा। और ये फिल्टर की इस बोतल में ये फिल्टर अगर आपने लगा दिया तो ये फिल्टर चोक भले हो जाएगा लेकिन मिट्टी को 1% आगे नहीं जाने देगा। तो ये कई बार ये कारण रहते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा कंप्लेंट आती है कि अरुण जी हमारे RO यूनिट में मिट्टी क्यों पहुंच गई, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये बोतल आपके फ़िल्टर में हल्की तो नहीं लगी, हल्की लगी है तो क्या उसमें फ़िल्टर सही से फिट है नहीं है, अगर फिट है तो कहीं ऐसा तो किसी जिस टाइप से इसमें गलती की हुई थी कि इसमें गुटका वगैरह नहीं लगा रहा है, तो उसमें प्रॉपर गुटका लगा है नहीं लगा है, और अगर है तो आपको ये इसमें ये 9 इंच थ्रेडेड फिल्टर लगाना है। अरुण जी